वेलकम टू स्टडी इंग्लिश विद नितिन सर दोस्तों, और मैं हूं शुभम सर। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा टॉप 10 एंटोनिम्स जो कई प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ये टॉप 10 एंटोनिम्स आपके प्रीवियस ईयर पेपर में एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, सीजीएल इन सब में पूछे जा चुके हैं। हम अपने टॉप 10 एंटोनिम्स में कम से कम 40 से 50 वर्ड को कवर करेंगे। चलिए हम पहले एंटोनिम्स पे चलने से पहले अपने दो लाइन कुछ देखते हैं। दो लाइन, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो इसीलिए आप लोग भी अपने मेहनत को अपनी आदत बनाइए तो आपकी जो कामयाबी होगी आपकी मुकद्दर बन जाएगी। चलते हैं हम अपने पहले वर्ड पे। हमारा पहला वर्ड क्या है? ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज मतलब क्या होता है? निष्कासित करना। एक्सपेल फ्रॉम अ कम्युनिटी, अ ग्रुप, आर ग्रुप मतलब किसी ग्रुप से या किसी समुदाय से किसी चीज़ को बाहर कर देना, किसी व्यक्ति को बाहर कर देना, तो क्या कहलाता है? ऑस्ट्रासाइज। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, आइए हम चेक करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या है? एम्यूज। एम्यूज मतलब क्या होता है? मन बहलाना। क्या होता है? मन बहलाना या मनोरंजन करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? बी ऑप्शन हमारा है वेलकम मतलब स्वागत करना होता है। इंटरटेन, इंटरटेन मतलब आप लोग सब लोग जानते हैं, मनोरंजन करना होता है। होस्ट मतलब क्या होता है? कोई भी हमारे यहाँ अतिथि आ जाता है तो उसकी जो हम सेवा करते हैं, जो उसको हम सर्विस देते हैं, तो होता है होस्ट मतलब मेज़बान होता है। तो हमारा ऑस्ट्रासाइज मतलब क्या होता है? निष्कासित करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, जिसका मतलब क्या होता है? वेलकम मतलब क्या होता है? स्वागत करना। चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? डेंस। डेंस मतलब क्या होता है? घने। देखो कोई फॉरेस्ट होता है तो क्या होता है? घना होता है। तो डेंस मतलब क्या होता है? घने, घने, घने होता है। तो इसका हम एंटोनिम्स देखते हैं। हमारा एंटोनिम्स क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? स्कार्स। स्कार्स मतलब क्या होता है? दुर्लभ होता है या थोड़ा सा कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? दुर्लभ या थोड़ा सा हो सकता है। और क्या होता है? स्लिम। स्लिम मतलब क्या होता है? दुबला पतला। स्पार्स मतलब क्या होता है? तितर बितर या बिरल कह सकते हैं। और लीन मतलब क्या होता है? पतला। तो हमारा एंटोनिम क्या होगा डेंस का? डेंस का एंटोनिम क्या होगा? ये होगा स्पार्स। स्पार्स मतलब क्या होता है? तितर बितर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पार्सीमोनियस। पार्सीमोनियस मतलब क्या होता है? होता है किफ़ायती होता है या जो कम खर्च कर देते हैं, कम खर्च करते हैं, उनको क्या कहते हैं? पार्सीमोनियस कहते हैं या इकोनॉमिकल भी कह सकते हैं। तो इसका आइए हम ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन हमारा पहला क्या है? स्टोरी। स्टोरी मतलब क्या होता है? कहानी। सेल्फलेस मतलब क्या होता है? स्वार्थी। एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट मतलब होता है कि फिजूल खर्ची, अपव्यय, जो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? बोल्ड। बोल्ड मतलब क्या होता है? बहादुर। इसका सिनानिम्स होंगे बोल्ड हो गया, माचो हो गया, डाउन प्लेस हो गया। तो इसके कई सारे सिनानिम्स है, मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इसका पार्सीमोनियस का एंटोनिम्स आपका होगा एक्स्ट्रावेजेंट, जो बिल्कुल ही सही है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? हारमोनी। हारमोनी, हारमोनी मतलब क्या होता है? एकता होता है, यूनिटी होता है, सामंजस्य होता है। तो जो एकता होती है उसे क्या कहते हैं? हारमोनी। हम इनके ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन इनका ए क्या है? स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मतलब क्या होता है? कलह, झगड़ा होता है, तो स्ट्राइफ हो गया। और हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है? चीट। चीट मतलब क्या होता है? धोखा देना। और ऑप्शन नंबर सी क्या है? क्रुएलिटी। क्रुएलिटी मतलब क्या होता है? निर्दयता। और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? मिस्चीफ। मिस्चीफ मतलब क्या होता है? शरारती या नटखटी होता है। तो हमारा क्या होगा? हारमोनी मतलब होता है कि क्या होता है? एकता या सामंजस्य। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये में क्या होगा? कला होता है। तो हमारा इसका जो हमारा इसका एंटोनिम्स क्या होगा? तो हारमोनी मतलब एकता होता है, तो स्ट्राइव मतलब क्या होता है? झगड़ा, कलह। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? पांचवा नंबर है मिथ। मिथ मतलब क्या होता है? झूठ होता है, कल्पना करना या मिथक कह सकते हैं। तो इसके हम ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है? मोटिव। मोटिव मतलब क्या होता है? इरादा। इरादा इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इंटेंशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? बी हमारा है फैक्ट। फैक्ट मतलब क्या होता है? फैक्ट मतलब होता है सत्य होता है या तथ्य कह सकते हैं। तो फैक्ट मतलब सत्य या तथ्य होता है। फॉल्सहुड मतलब क्या होता है? झूठा या लाई भी कह सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी लाई। लाई मतलब क्या होता है? झूठा। तो हमारा इसमें क्या सही होगा? इसका होगा फैक्ट, ये फैक्ट सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? रिलस्टेंटली।
रिलस्टेंटली मतलब क्या होता है, अनिच्छा या झिझकते हुए बिना इच्छा के किसी चीज़ के, तो उसे क्या कहते हैं रिलस्टेंटली। तो इसके हम ऑप्शन को चेक करते हैं, प्लीजिंगली मतलब क्या होता है खुशी से, और विलिंगली मतलब होता है खुशी से या मतलब अपने इच्छा से होता है या अपने मन से होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका एंटोनिम सही होगा। और हम आइए नेक्स्ट इसको चेक करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है सेटिस्फैक्टोरली, इसका मतलब क्या होता है संतोष देते या संतोषजनक रूप से कह सकते हैं। हैप्पली, हैप्पली मतलब क्या होगा खुशी से या सौभाग्य से। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है म्यूटिलेट, म्यूटिलेट मतलब क्या होता है कि बिगाड़ना भी कह सकते हैं या किसी को अपंग करना बोल सकते हैं या लूला लंगड़ा किसी को करना बोल सकते हैं। तो इसके हम ऑप्शन को चेक करते हैं, इसका पहला ऑप्शन क्या है इंस्ट्रक्ट, क्या है इंस्ट्रक्ट, इसका मतलब क्या होता है समझना या किसी चीज़ को समझाना या सीख देना, क्या कहलाता है इंस्ट्रक्ट। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है इंडक्ट, इंडक्ट मतलब क्या होता है प्रारंभ करना या प्रतिष्ठापित करना या किसी चीज़ को शुरुआत करना स्टार्ट करना। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर सी है कंडक्ट, कंडक्ट मतलब क्या होता है आचरण होता है व्यवहार होता है, तो उसको मतलब क्या होता है कंडक्ट। और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है मेंड, मेंड मतलब क्या होता है सुधारना किसी चीज़ की मरम्मत करना। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा क्या है म्यूटिलेट, म्यूटिलेट का जो एंटोनिम्स हमारा होगा होगा हमारा एंटोनिम मेंड, मेंड मतलब क्या होता है, मेंड मतलब क्या होता है सुधारना या मरम्मत करना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है लेमेंट, लेमेंट मतलब क्या होता है शोक होता है, क्या होता है शोक विलाप, शोक विलाप। तो हम अपने ऑप्शन को चेक करते हैं रिजॉइस, रिजॉइस मतलब क्या होता है खुश होना या किसी खुशी से मिलना किसी को या खुश करना होता है या खुश मनाना होता है। तो रिजुविनेट ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है फिर से किसी चीज़ को जीवित करना या फिर से किसी चीज़ को नया करना, तो क्या कहलाता है रिजुविनेट होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा है कंप्लेन, कंप्लेन मतलब क्या होता है शिकायत करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है क्राई करना। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा हमारा रिजॉइस, रिजॉइस मतलब क्या होता है कि खुश होना या किसी को खुशी करना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हमारा क्या है एनिमोस्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनिमोस्टी मतलब क्या होता है दुश्मनी या क्या होता है शत्रुता, इनिमिटी बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है लव, लव मतलब क्या होता है प्यार होता है। और ऑप्शन नंबर बी क्या है लस्ट, लस्ट ही ये बहुत ही अच्छा मीनिंग है, इसको हम कहते हैं हवस कहते हैं या वासना भी कह सकते हैं, लस्ट मतलब होता है। और सी तो आप लोग जानते होंगे लक होता है, लक मतलब भाग्य होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है लॉस, लॉस मतलब क्या होता है नुकसान होता है, क्या होता है नुकसान होता है। तो हम चेक करते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, लॉस मतलब नुकसान हो गया, लक मतलब भाग्य हो गया, और लॉस्ट लस्ट मतलब हो गया क्या हवस या वासना हो गया, और लव मतलब प्यार हुआ। तो एनी मोस्टी मतलब शत्रुता, लव मतलब प्यार, मतलब यही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पे, हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट बहुत ही अच्छा वर्ड है कैंडिड, कैंडिड मतलब क्या होता है स्पष्ट सरल या जेन्युइन भी कह सकते हैं, ऑथेंटिकेट भी कह सकते हैं, प्रमाणित। तो इसके इसको हम चेक करते हैं, इस हमारा पहला क्या है आउट स्पोकन, आउट स्पोकन जो होता है अस्पष्टवादी सरल कह सकते हैं या साफ कहना कुछ चीज़ को, तो ये इसका तो सिनोनिम्स हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हमारा क्या है फ्रैंक, फ्रैंक मतलब क्या होता है जो सही बोलते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा सिनोनिम्स हो जाएगा, जो एकदम स्पष्ट बोलते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है डीवियस, फ्रैंक मतलब क्या होता है जो अस्पष्ट या सही बोलते हैं। और हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है डीवियस, डीवियस मतलब क्या होता है जटिल होता है या कह सकते हैं कि किसी चीज़ को घुमा फिरा कर बोलना या कह सकते हैं धूर्त, धूर्त बोल सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है डिसगाइज, डिसगाइज मतलब क्या होता है डिसगाइज मतलब होता है गुप्त या इसको बोल सकते हैं हिडन, क्या बोल सकते हैं हिडन, हिडन हो सकता है। आप लोग को ये जो टॉप 10 एंटोनिम्स हमने बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए तो ये आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही फंड है, बहुत ही फायदेमंद है ये आपके एग्जाम के लिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।